वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं वन वर्स सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 5। ठीक है, इसके पहले मैंने वन वर्स सब्स्टिट्यूशन के 3 या 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको वीडियो को देख लीजिए। उन वीडियो में लगभग ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट आपको वन वर्स सब्स्टिट्यूशन बताए हैं जो पिछली SSC की परीक्षाओं में, ठीक है, व्यापम की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सब जगह पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये इंपॉर्टेंट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। सभी लोग उन वीडियो को से उन वन वर्ड्स को लिख लें और लिखने के साथ साथ उनको याद कर लें, तो निश्चित तौर पे आपको परीक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको एक 102 वन वर्ड पढ़ा दिए थे और 105(3) से आज स्टार्ट करेंगे, देन अपन 150 तक आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 103 नंबर कौन सा है? अ डायग्राम ऑफ द हेवेंस शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ अ पर्सन्स डेथ। तो इसे बोलते हैं हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप मतलब होता है जन्म कुंडली या जन्म पत्री। ठीक है, अ बैगेज ऑफ अ ट्रेवलर। ठीक है, जो यात्री का बैगेज होता है, सामान होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं लगेज। लगेज मतलब 104 नंबर क्या होगा? अ बैगेज ऑफ अ ट्रेवलर, लगेज। ठीक है, लगेज जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन पर इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इज एम का। ठीक है, आगे चलते हैं। अ वर्ड, अ यंग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ यंग अनमैरिड वूमेन, जो मतलब कुंवारी लड़की होती है, यंग, उसे क्या बोलते हैं? मेडन बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है तो लोग उसे क्या बोल देते हैं? अनमैरिड बोल देते हैं। ठीक है, अनमैरिड नहीं होगा, मेडन होता है। मेडन मतलब होता है अविवाहित जवान लड़की। ठीक है, यहाँ पे लड़की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एन एनिमल डैट फीड्स इट्स यंग विथ मिल्क फ्रॉम द फीमेल मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, स्तनपाई, ममल्स बोलते हैं। ठीक है, फीमेल्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ममल्स बोलते हैं, स्तनपाई, स्तनपाई प्राणी उन्हें बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 में आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन 107 क्या है? अ बुक, डॉक्यूमेंट, लेटर, ETC रिटन बाय हैंड और टाइपिट। मतलब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? जो डॉक्यूमेंट होता है, जो लिखित होता है, ठीक है, या टाइप्ड होता है, हाथ के द्वारा या टाइप होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैनुस्क्रिप्ट। मैनुस्क्रिप्ट मतलब होता है पांडुलिप, पांडुओं की लिप मैनुस्क्रिप्ट कहलाती है। ठीक है, 108, अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव, जहाँ पे साधु संत लोग रहते हैं, उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मठ या आश्रम। इंग्लिश में बोलते हैं मोनेस्ट्री। ठीक है, मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ या आश्रम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन लोग आगे। अ पर्सन हु हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड फ्रॉम रिलीजियस रीजन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो मतलब क्या होते हैं? विश्व से क्या होते हैं? अपने रिलीजन के लिए क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं, उनके क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मॉन्क कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? मॉन्क मतलब होता है साधु या सन्यासी। ठीक है, ऐसे आदमी जो समाज से कहीं इधर उधर निकल जाते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, तो ये दूर चले जाते हैं कहीं, उन्हें बोलते हैं मॉन्क। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग आते हैं। अ ड्रामा टू बी परफॉर्म बाय अ सिंगल मैन, ऐसा ड्रामा, ठीक है, जो केवल एक ही व्यक्ति क्या करे, बात करे, उसमें एक ही व्यक्ति की चर्चा की गई हो, उसे बोलते हैं मोनोलॉगी। मोनोलॉगी मतलब होता है एक पात्री नाटक। जैसे मान लीजिए कोई नाटक जिसमें केवल राजा राजा ही बोलता रहे, राजा ही राजा, और बाकी कोई प्रजा का कुछ ना आए, तो वो क्या कहलाता है? मोनोलॉगी कहलाता है। ठीक है, अ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी, तो वो कहलाता है मोनूमेंट। ठीक है, वो क्या कहलाता है? मोनूमेंट। अ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी, वो कहलाता है मोनूमेंट, स्मारक। ठीक है, स्मारक होता है मोनूमेंट मतलब। ठीक है, अ यंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यंग ऑफ एनिमल्स मतलब क्या होता है? मतलब बच्चा है ना, संतान, किसी भी एनिमल का संतान जो होता है, बच्चा होता है, उसे बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है शांति, संतान या संतति, संतान या संतति। ठीक है,
अ प्लेस ऑफ परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस पैराडाइज, ठीक है, अ प्लेस ऑफ परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस पैराडाइज मतलब पूर्ण शांति एवं सुख का स्थान, ठीक है, अ प्लेस ऑफ परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस, अ प्लेस ऑफ पीस परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस पैराडाइज कहलाता है, पूर्ण शांति सुख का स्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है, अ पर्सन हु इज 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो 15 साल का हो, उसे क्या बोलते हैं, एडोलसेंट बोलते हैं, एडोलसेंट मतलब होता है किशोर, ठीक है। अ पर्सन हु इज 15 ईयर्स ओल्ड एडोलसेंट कहलाता है, मतलब किशोर। वन हु मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, साइंटिफिक स्टडी करता हो लैंग्वेज की, उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक, मतलब अनेक भाषाओं का ज्ञाता, जो उस पर क्या करता है, अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है, जानकार होता है, उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान रखिए, इस एस्टिक लगा लीजिएगा लिंग्विस्टिक पे। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं, वन हु वेस्ट मनी फॉर लग्जरी, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, अपनी लग्जरी को, सोना सौगत को बढ़ाने के लिए पैसा खर्चा करता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है खर्चीला या लुटाऊ, ठीक है, क्या होता है, खर्चीला या लुटाऊ। वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, विलोम शब्द जो होता है, ऐसा वर्ड जो मतलब अपने मीनिंग का क्या होता है, अपोजिट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एंटोनियम। एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, ऐसा वर्ड जो अपने ही मीनिंग का क्या हो, सिमिलर हो, पर्यायवाची हो, समानार्थक हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो 118 कंप्लीट, 119। अच्छा, आप लोग को ये चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट लग रही हो तो अपने वीडियो को थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आते हैं अपन लोग 119 नंबर पे। 119 नंबर पे क्या है, अ प्लेस वेयर फिशेस एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर फिशेज एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ पे मतलब फिशेस को रखा जाता है, उसे बोलते हैं एक्वेरियम, मतलब जल जीव शाला। जल जीव शाला मतलब जहाँ पे जल जीव को रखा जाता है, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। आप लोग बड़े बड़े सिट कंट्री में देखे होंगे या टीवी वगैरह में देखे होंगे, ऐसे कांच का चारों तरफ रहता है, वहाँ पे वो रखे जाते हैं, जीव जंतु रखे जाते हैं, वही चीज़ है ये। द वॉनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, मतलब जो कंकाली रखते हैं लोगों को सिखाने के लिए, डॉक्टर लोगों को सिखाने के लिए, वही चीज़ है ये, स्केल्टन कहलाता है, मतलब कंकाल, ठीक है। द वॉनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी तो होता है स्केल्टन, स्केल्टन मतलब होता है कंकाल। डैट विच कैन बी हियर्ड, जिसको आप सुन सकते हैं, वो कहलाता है ऑडिएबल। ऑडिएबल मतलब होता है श्रव्य, ठीक है। डैट विच कैन बी हियर्ड, ऑडिएबल मतलब होता है श्रव्य। नेक्स्ट है 122, डैट विच कैन बी सीन, जिसे आप क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, वो होता है विजुअल, हिंदी में से बोलते हैं दृष्टिगोचर, ठीक है। डैट विच कैन बी सीन, विजुअल मतलब होता है उसे दृष्टिगोचर कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टिगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 123, प्लांस एंड प्रोमिसेस, प्लान्स एंड प्रोमिसेस विच आर डिक्लेयर्ड बाई अ कैंडिडेट बिफोर द पीपल इन इलेक्शन, ठीक है। मतलब जो कोई भी चुनाव लड़ता है, वो उसके पहले अपना घोषणा पत्र निकालता है लिख करके, कि मैं, अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, आप मुझे जिताएंगे तो ये करूँगा, तो वो उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो, क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र, जो चुनाव लड़ने के पहले अपन लोग करते हैं, चुनाव के बादा, और जैसे चुनाव हो जाते हैं, जीत जाते हैं, पूरे वादे भूल जाते हैं, ठीक है। 124, अ डिसीज डैट इज फाउंड रेगुलरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब एक ऐसा कोई स्थान जहां पे वो बीमारी होती ही होती हो, ठीक है, जैसे उसे बोलते हैं एंडेमिक, मतलब खास स्थान पर होने वाली बीमारियों को क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 25, 125, अ डिसीज दैट इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं भूल जाता हूँ बताना आप लोग को, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है। और एक ये भी,
अ डिसीज दैट इफेक्ट्स मैनी पीपल एट द सेम प्लेसेस, ऐसी बीमारी जो क्या होती हो वो एक ही मतलब कई लोगों को हो जाती हो, है ना, जो एक लोग से कई लोगों में फैल जाती हो, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी या संक्रामक रोग। ठीक है, जैसे जुकाम वो हो गया आपका हैजा वगैरह जो रोग नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, महामारी वाले होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं बोलो। ठीक है, अब आते हैं 26 में। 26 अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, एन एनिमल डैट क्रीप्स या क्रॉल एंड लेज एग्स, जो ऐसे एनिमल जो क्या करते हों, जमीन पर खिसकते हों, जो खिसकते हों तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं रेप्टाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेप्टाइल। 127, अ पर्सन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, मतलब ऐसा व्यक्ति कोई जो इंटरेस्टेड होता है किस पे, वेलफेयर एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, मतलब स्त्री कल्याण के कार्य करने में जो क्या करता हो, इंटरेस्टेड रहता है, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब स्त्री कल्याण करने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं 128 पे, डैट विच कैन नॉट बी रीड अस्पष्ट। ठीक है, डैट विच कैन नॉट बी रीड, ऐसी चीज जिसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, जिसे पढ़ नहीं सकते, सॉरी, तो उसे बोलते हैं इलिजिबल, मतलब अस्पष्ट। डैट विच कैन नॉट बी रीड इलिजिबल मतलब अस्पष्ट। ठीक है, 129 नंबर, 129 नंबर है क्या, अ डिसेप्टिव अपीयरेंस स्टेटमेंट और बिलीव, मतलब जो जिस चीज़ से अपन लोग को क्या होता है, भरोसा नहीं होता, ठीक है, भ्रम रहता है, अपीयरेंस, डिसेप्टिव अपीयरेंस स्टेटमेंट ऑफ बिलीव, मतलब जिस पर अपन लोग को जल्दी विश्वास नहीं होता है, वो होता है आपका भ्रम, उसे बोलते हैं इल्यूजन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि मृग मरीच का आपने पढ़ा होगा, रास्ते में जब आप गर्मियों के दिनों में चलेंगे तो आपको लगेगा कि रास्ते में आगे क्या भरा है, पानी भरा है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है, छांव, ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि लगता है कि वो पानी है लेकिन होता नहीं है। 130वां नंबर, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन माइंड। ठीक है, मतलब कई लोगों का एक मत होना ही क्या कहलाता है, आपका यूनैनिमस कहलाता है, यूनैनिमस मतलब होता है एक मत होना, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन माइंड मतलब होता है यूनैनिमस मतलब एक मत होना। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे गवर्नमेंट मतलब जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हों, जैसे अपन लोग के द्वारा चुने गए वो आते हों लोग, है ना, नेता मंत्री, उन्हें बोलते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र, लोकतंत्र जो अपने यहाँ चल रहा है, ठीक है, अपने इंडिया में। 132 नंबर पे आते हैं, 132 में है अ जर्नी बाय सी, मतलब जो समुद्र की जर्नी होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं वोएज। वोएज मतलब होता है समुद्री यात्रा, अ जर्नी बाय सी मतलब होता है वोएज या समुद्री यात्रा। अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन टू अ हाउस टू स्टील स्मगलर, ठीक है, अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन टू अ हाउस टू स्टील स्मगलर मतलब होता है तस्कर, क्या होता है इसका मतलब, तस्कर। चलिए, कहाँ खो गया ये, कहाँ आ गए हम, भटक गए थे बंधुओं। चलिए आ गए क्वेश्चन पे हम फिर से, 132 पे, अ जर्नी बाय सी मतलब होता है बोएज मतलब समुद्री यात्रा। अगला है अ पर्सन हु ब्रिंग इन टू अ हाउस टू स्टील, मतलब जो चोरी करता है ना, बिना गवर्नमेंट के कोई काम पूछे करता है, उसे बोलते हैं स्मगलर या तस्कर। अ पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या करता है, किताबों को पढ़ता रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं किताबी कीड़ा। अगर किताबी कीड़ा तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, आप लोग भी पढ़िए, किताबी कीड़ा बनिए और सिलेक्शन लीजिए और बढ़िया जॉब कीजिए। 135 नंबर है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज़ आती है उसे बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिक, जो अपने पापा या दादा द्वारा, हमें बाबा द्वारा जो हमें मिलता है वो बोलते हैं हेरिडिटरी बोलते हैं उसे। आते हैं 136 नंबर पे, आज हम लोग को 1.5 सेंचुरी मतलब 150 कंप्लीट करना है देवियों सज्जनों, ठीक है, टारगेट है अपना
136 अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, जो 10 ईयर के पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट, डिकेड्स बोलते हैं। डिकेड मतलब होता है दशक, दशक होता है डिकेड, मतलब अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, डिकेड्स, ठीक है। 137 नंबर, अ पर्सन हु इज फोर्स्ड टू फ्ली टू शेल्टर, ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो दूसरी जगह आके रहते हैं उसे बोलते हैं शरणार्थी या रिफ्यूजी बोलते हैं। रिफ्यूजी, एक फिल्म बनी है रिफ्यूजी, ठीक है, शरणार्थी होते हैं उन्हें बोलते हैं। 138 नंबर पे चलिए आते हैं, लैंड डेट डज नॉट ग्रो एनीथिंग, तो वो कहलाती है क्या, वॉरन, वॉरन मतलब होता है बंजर। लैंड डेट डज नॉट ग्रो एनीथिंग मतलब वॉरन या बंजर कहलाती है वो चीज़, जहाँ कुछ चीज़ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब बंजर समझ लीजिए, गांव में रहती है कई कई ऐसी जगह। अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, ऐसा आदमी जो अपने कंट्री के ही अगेंस्ट हो, उसे बोलते हैं ट्रेटर, मतलब द्रेस द्रोही, देश द्रोही क्या कहलाता है, कहलाता है अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री। अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेस, ठीक है, ऐसा एम्प्लॉय जो आर्म फोर्सेस में क्या होता है, भर्ती हुआ होता है, उसे बोलते हैं पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है सेना में नियुक्त कर्मचारी को बोलते हैं पर्सनल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजर आपने पढ़ लिया, अब उपजाऊ पढ़ लीजिए। लैंड डेट ग्रो एनीथिंग, ग्रो थिंग्स इन अबंडेंस, ऐसी जमीन जहाँ पे हर चीज़ हो जाए वो क्या कहलाती है, उपजाऊ कहलाती है, फर्टाइल जमीन कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं, 142 में है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनादर कंट्री, मतलब हर एक दूसरे देश में, जैसे अपना भारत है और मान लीजिए अपना एक श्रीलंका है, तो भारत का एक आदमी यहाँ बैठेगा, श्रीलंका का एक आदमी यहाँ बैठेगा, जो यहाँ की जानकारी वहाँ, वहाँ की जानकारी यहाँ करता रहेगा, उसे बोलते हैं एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं, ठीक है। 143वें नंबर पे आते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनीथिंग इजिली, मतलब ऐसा व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर लेता हो उसे बोलते हैं क्रेडुलस, जैसे कि मैं बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेता हूँ और धोखा भी खा जाता हूँ, ठीक है, तो ऐसा होता है, मैं सहज विश्वासी हूँ, और आप लोग भी होंगे मैं मानता हूँ, बहुत लोग होते हैं ऐसे, दूसरों की बाह में आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 144, अ पर्सन हु स्टडीज स्टार प्लैनेट्स एंड अदर हेवेनली बॉडीज, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, पढ़ता हो तारों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और आकाश की कई सारी चीज़ों के बारे में, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है खगोल शास्त्री, ठीक है, खगोल शास्त्री क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर, जो तारों सितारों की बात करता है, उसके बारे में पढ़ाई करता है। अ पीरियड ऑफ 15 डेज, जो 15 दिन का पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोर्टनाइट, मतलब होता है 15 दिनों का समय या पखवाड़ा, जैसे नहीं बोलते शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष हुए 15 दिन के और शुक्ल पक्ष हुए फिर से 15 दिन के, तो 15 15 जो दिन के उसे बोलते हैं क्या, फोर्टनाइट बोलते हैं, ठीक है। देवी से चुनो, इसे इंपॉर्टेंट है फोर्टनाइट, इसे याद कर लीजिएगा, बाकी तो याद 150 के पूरे करने हैं, वैसे तो आपको 1000 2000 वन वर्ड हैं, लेकिन मैं आपको केवल 150 पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कि 150 के 150 पूरे याद होने चाहिए आप लोग को, तभी आप लोग के एग्जाम में वो बन पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, पर्सन वेयर ऑर्फांस आर हाउस्ड, ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्फांस रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्फनीज मतलब अनाथालय, मतलब जहाँ पे अनाथ रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनाथालय मतलब ऑर्फनेज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 है, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमेरिड, जो जीवन भर अनमेरिड रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचर्य या अविवाहित अवस्था, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य या अविवाहित अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, 148 पे, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द एटमोसफियर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता हो, एटमोसफियर का प्रेशर को क्या करता हो, नापता हो, मेजर करता हो, उसे बोलते हैं बैरोमीटर, और लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, बैरोमीटर वायु दाब को नापता है, इसलिए इसे वायु दाब मापी भी कहते हैं। 149वां, अ पर्सन हु लिव्स इन अ मेट्रोपोलिस, जो ऐसा पर्सन जो कहाँ रहता है,
मेट्रोपोलिटन में रहता है, मतलब बड़े बड़े शहरों में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं देवी सज्जनों? तो क्या मैंने बोला है कि अ पर्सन हु लिव्स इन मेट्रोपोलिस, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कहाँ रहते हों, महानगर में रहते हों, तो उन्हें लिख लीजिएगा, उन्हें बोलते हैं मेट्रोपोलिटन। क्या बोलते हैं उन्हें? मेट्रोपोलिटन, ठीक है, शहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रोपोलिटन, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन लोग। तो अ पर्सन हु लिव्स इन अ मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिटन मतलब शहर में जो रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मेट्रोपोलिटन बोलते हैं। और लास्ट वर्ड है आज का अपना, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, तो उसे क्या बोलते हैं? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है सूक्ष्मदर्शी। सो मतलब उस छोटी छोटी चीज़ को भी अच्छे से देख पाए, उसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। इस तरह से कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये और ये दोनों, और बैरोमीटर वाला भी, ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ने 150 जो हैं वो मैंने बनवा सब्स्टिट्यूशन आपको बता दी हैं। इसी खुशी पे आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और तालियां बजाना इसलिए है क्योंकि 150 अगर आप याद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिसका फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग लगातार पढ़ाई करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और आपको जो समस्या होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप अगर ग्रुप में मेरे ऐड होना चाहते हैं तो ज्वाइन ALI लिख दीजिए, और मुझे अपने नेम के साथ भेज दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दूसरी चीज़, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए देवियों सज्जनों, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहें। और जब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। आगे का वीडियो आपका रहेगा किसका? टेंस पढ़ा दिया, बॉयज़ का, ठीक है। तो तब मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम।